अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयूबुल हसन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। यू आर वॉचिंग डॉक्टर एनक पाकिस्तानी। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू बाई लिंगुअली अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। द इंटीरियर मोस्ट एंड द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर जिसको हम डिस्कस करते हैं कॉर्निया है, आई का स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा ये आपको ब्लैक में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ब्लैक नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी छह लेयर्स होती हैं, छह तहों पर ये मुश्तमिल होता है। जो आउटर लेयर है इसकी, उसको हम कहते हैं एपिथीलियम। दूसरे नंबर पर जो इसकी लेयर आती है उसको हम कहते हैं बोमेंस लेयर। तीसरे नंबर पर जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। चौथे नंबर पर जो लेयर आती है उसको कहते हैं हम दुआ लेयर्स। और पांचवें नंबर पर होती है डेस्मेट, जो इंटीरियर मोस्ट इसकी लेयर होती है उसको कहते हैं हम एपिथीलियम लेयर्स। ये है आई। ये पावर स्ट्रक्चर होता है, इसके पास पावर होती है 43 डायोप्टर्स। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, आई को फोकस करने में हेल्प आउट करता है। ये थोड़ा सा आपको देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ लेयर आपको नज़र आ रही होंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है आई का। जो आउटर लेयर हो आई की उसको कहते हैं हम स्क्लेरा। इससे पहले आप इसकी इंफॉर्मेशन देख लें कॉर्निया की। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द आयरिस, प्यूपल एंड इंटीरियर चैम्बर। कॉर्निया है, ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, फ्रंट स्ट्रक्चर होता है आई का, जो कवर आउट करता है आयरिस, प्यूपल और इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई को। द कॉर्निया विद द इंटीरियर चैम्बर एंड लेंस रिफ्रैक्ट्स लाइट विद द कॉर्निया, अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द आई टोटल ऑप्टिकल पावर। आइज की जो टोटल ऑप्टिकल पावर होती है उसका 2/3 पावर कॉर्निया के पास होती है। इन ह्यूमंस द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया इज अप्रॉक्सीमेटली 43 डायोप्टर्स जो इसकी है कॉर्निया की पावर होती है। डायोप्टर्स ये यूनिट है। वाइल द कॉर्निया कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द आई फोकसिंग पावर, इट्स फोकस इज फिक्स्ड। इसका जो फोकस होता है कॉर्निया का वो फिक्स होता है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड स्क्लेरा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका कलर वाइटिश होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है यानी बच्चे से बड़ा होता है तो इसमें फैट्स वगैरह एक्युमुलेट हो जाते हैं और हल्की सी येलोविश रंगत इसमें आ जाती है। ये बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होता है, टोटल आई को प्रोटेक्ट करता है। आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। स्क्लेरा आल्सो नोन एज द वाइट ऑफ द आई इज द ओपेक, शफाफ होती है, फाइब्रस लेयर होती है, प्रोटेक्टिव है, आउटर लेयर ऑफ द आई कंटेनिंग मेनी कोलेजन, इसमें कोलेजन पाए जाते हैं एंड सम इलास्टिक फाइबर और कुछ इलास्टिक फाइबर भी होते हैं। इन ह्यूमंस द होल स्क्लेरा इज वाइट, इंसानों में होल स्क्लेरा मुकम्मल जो स्क्लेरा लेयर है वो सफ़ेद होती है, कंट्रास्टिंग विद द कलर्ड आयरस। ठीक है, आयरस का जो होता है ना वो कलर्ड होता है, उसका कलर होता है कोई ना कोई आयरिस का। बट इन अदर मैमल्स, दूसरे मैमल्स में, इंसानों के अलावा दूसरे मैमल्स में, द विजिबल पार्ट ऑफ द स्क्लेरा मैच द कलर ऑफ द आयरिस। जो दिखाई देने वाला हिस्सा होता है यानी कि स्क्लेरा की जो लेयर है उसका कलर आयरिस के कलर से मैच करता है, मिलता जुलता है। सो द वाइट पार्ट डज नॉट नॉर्मली शो, तो सफ़ेद हिस्सा नॉर्मली तौर पर शो नहीं होता। इन द डिवेलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो,
एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की माँ के पेट के अंदर, द सेक्लेरा इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट, सेक्लेरा फिर बनता है न्यूरल क्रेस्ट से। इन चिल्ड्रन इट इज थिनर, बच्चों में ये लेयर बारीक होती है, एंड शोज सम ऑफ द अंडरलाइंग पिगमेंट अपेयरिंग स्लाइटली ब्लू। इन द एल्डरली बड़ों में फैट डिपॉजिट ऑन द सेक्लेरा कैन मेक इट अपेयर स्लाइटली येलो। ठीक है, तो बड़ों में फैट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इस पर जमा हो जाते हैं, तो इसकी रंगत फिर थोड़ी सी येलो आपको दिखाई देती है। ये हमारे पास है सेक्लेरा ऑफ द आई। सेकंड नंबर पर जो इसकी लेयर आती है हमारे पास वो है कोराइड। इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, वेस्कुलर लेयर भी इसको कहते हैं। ये आपको देख रहे होंगे कोराइड को, ये कोराइड सेक्लेरा और रेटना के दरमियान में मौजूद होती है। ये देख रहे हैं आप कोराइड। कोराइड आल्सो नोन एज द कोराइडिया और कोराइड कोट इज द वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई कंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, लाइंग बिटवीन द रेटना एंड द सेक्लेरा। द ह्यूमन कोराइड इज थिकेस्ट एट द फोर एक्सट्रीम रेयर ऑफ द आई एट 0.2 मिलीमीटर, वाइल इन द आउटलाइंग एरियाज इट नैरोज टू 0.1 mm। कोराइड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड नॉरिशमेंट टू द आउटर लेयर्स ऑफ द रेटना। रेटना की जो आउटर लेयर है उसको ऑक्सीजन और नॉरिशमेंट्स जो है ना वो कोराइड प्रोवाइड करती है अलॉन्ग विद द सीलरी बॉडी एंड आयरस। द कोराइड फॉर्म्स यूवियल ट्रैक, ये यूवियल ट्रैक बनाती है सीलरी बॉडी और आयरस के साथ मिलकर। द स्ट्रक्चर ऑफ द कोराइड इज जनरली डिवाइडेड इंटू फोर लेयर्स। जो कोराइड का स्ट्रक्चर है उसको चार लेयर्स में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है, क्लासिफाइड इन ऑर्डर ऑफ फर्देस्ट अवे फ्रॉम द रेटना टू क्लोज। जो रेटना से अवे और क्लोज की बिना पर इसको नाम दिए गए हैं। जो कोराइड की एक्सटेंशन होती है उसको कहते हैं हम सेलरी बॉडीज, सेलरी मसल। ये जो आपकी आंखों में आंसू आते हैं ये सेलरी बॉडी सेलरी मसल्स पैदा करते हैं ब्लड से, फिर वापस ब्लड में मिल जाते हैं। इसका एक और काम होता है कि जो लेंस है आई का क्रिस्टलाइन लेंस उसकी अकोमोडेशन वगैरह को ये कंट्रोल करते हैं सिलरी मसल्स। द सिलरी मसल इज अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल इन द आईज मिडल लेयर दैट कंट्रोल्स अकोमोडेशन फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड स्क्लेम्स कैनाल। इट चेंज द शेप ऑफ द लेंस विद इन द आई नॉट द साइज ऑफ द प्यूपल। प्यूपल के साइज को कंट्रोल नहीं करता, ये लेंस की शेप को कंट्रोल करता है। विच इज कैरीड आउट द स्फिंक्टर पॉपुलाई मसल एंड डायलेटर पॉपुलाई। ये जो मसल्स हेल्प आउट करते हैं अकोमोडेशन में उनके नाम है पॉपुलाई मसल, स्फिंक्टर पॉपुलाई और डायलेटर पॉपुलाई। ठीक है, फिर इसकी सेलरी बॉडी की जो एक्सटेंशन है ये है टोटल स्ट्रक्चर ऑफ सेलरी बॉडी देख रहे हैं आप। फिर इसकी एक्सटेंशन है हमारे पास उसको हम कहते हैं आयरस। ठीक है, ये देख रहे हैं आप आयरस को। तो ये कलर स्ट्रक्चर ऑफ द आई होता है, इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है मेलानिन जिसकी वजह से आंखों का कलर आपको दिखाई देता है। आयरस के बिल्कुल दरमियान में प्यूपल होता है, अगर
बाहर से लाइट आपकी आंखों में ज़्यादा आ रही है तो प्यूपल कंट्रैक्ट हो जाता है ताकि आपकी आंख को प्रोटेक्ट कर सके। अगर लाइट कम है, मध्यम है, तो प्यूपल डायलेट हो जाता है ताकि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा गुजर सके और आपको सही से सही नज़र आ सके। ये देख रहे हैं आप सिलरी प्रोसेस, इनको क्या कहते हैं हम, आयरस। इसके बाद हमारे पास थर्ड लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटना। ये आप रेटना को देख रहे हैं, ये वो लेयर है जिसके ऊपर इमेजेस बनते हैं, लाइट जाकर फोकस होती है लेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्निया से गुजरती है, कॉर्निया के बाद प्यूपल वगैरह से गुजरती है। कॉर्निया भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, क्रिस्टलाइन लेंस फिर जब रिफ्लेक्ट करता है लाइट को तो इमेज बनता है रेटना के ऊपर। ये अप्स एंड डाउन इमेज होता है। फिर यहाँ से आगे मैसेजेस वगैरह जाते हैं नर्व के ज़रिए, वो एक अलग फिर टॉपिक होगा। रेटना इज द थर्ड एंड इनर कोट ऑफ द आई विच इज़ अ लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ टिश्यू। इसकी टोटल 10 लेयर होती हैं। सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज़ कॉल्ड रेटना। ये भी आप याद रखिएगा, ये सेंसिटिव लेयर है आई की। द ऑप्टिक्स ऑफ द आई क्रिएट एन इमेज ऑफ द व्यूअल वर्ल्ड ऑन द रेटना। जो भी चीज़ आप देखते हैं उसका इमेज रेटना के ऊपर बनता है। थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, एल पोर्ट करते हैं इसको लेंस और कॉर्निया। विच सर्व्स मच द सेम फंक्शन एज द फिल्म इन द कैमरा। वही फंक्शन अदा करते हैं कॉर्निया और लेंस, जैसा कि फिल्म के अंदर, कैमरे के अंदर जो फिल्म बनती है उस तरह का। लाइट स्ट्राइकिंग द रेटना इनिशिएट्स अ कैस्केड ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इवेंट्स दैट अल्टीमेटली ट्रिगर नर्व इंपल्स। दीज आर सेंड टू द वायरस व्यूअल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन थ्रू द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व। न्यूरल रेटना टिपिकली रेफर्स टू थ्री लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स विद इन द रेटना। वाइल द इंटीरियर रेटना रेफर्स टू दीज थ्री लेयर्स प्लस अ लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम। ये फिर अलग से टॉपिक हमारा हो जाएगा, कैसे इसके ऊपर इमेजेस बनते हैं और कैसे हमें दिखाई देते हैं। इसकी टोटल 10 लेयर्स होती हैं। मेजरली इसको देखा जाए तो इसकी दो लेयर्स बनती हैं। एक को हम कहते हैं पिगमेंटल लेयर, दूसरी होगी हमारे पास ट्रांसपेरेंट लेयर। जो पिगमेंटल लेयर है इसमें पिगमेंट होता है मेलानिन, एक ही लेयर है। और ट्रांसपेरेंट लेयर होती हैं उसमें 9 लेयर होती है। जो पिगमेंटली लेयर है इसको ब्लड मिलता है ऑक्सीजन वगैरह कोराइड से। और 4 जो आउटर लेयर हैं रेटना की, उनको भी ब्लड वगैरह कोराइड से ही मिलता है। जो इनर मोस्ट 5 लेयर हैं उनको अलहदा से एक आर्टरी आती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, वो ब्लड देती है। ये सेंस लेयर जो है 9 लेयर पर जो मुश्तमिल होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। और ये पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, रेटना पार्ट है ब्रेन का, आँख का ये हिस्सा नहीं है। अगर हम देखें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में तो ये ब्रेन से बनती है। ये है हमारे पास रेटना का स्ट्रक्चर। अब एक स्ट्रक्चर रह गया है आई का, वो है हमारे पास लेंस। ये कन्वेक्स लेंस होता है, ये आपको देख रहे होंगे, ट्रांसपेरेंट होता है। ये देखिए ये लेंस है हमारे पास,
की पावर 15 डाई पर होती है, कहीं पर 16 लिखा हुआ है, कहीं पर 18 लिखा हुआ है। ये फोकस करता है लाइट को और इमेज बनाने में हेल्प आउट करता है रेटना पर। द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका इन द आई दैट अलॉन्ग विद द कॉर्निया हेल्प्स टू रिफ्रैक्ट लाइट टू बी फोकस्ड ऑन द रेटना। लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, फोकस करता है लाइट को रेटना पर। द लेंस बाई चेंजिंग शेप फंक्शंस टू चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। जैसे कि फोकल डिस्टेंस चेंज होता है तो लेंस की शेप भी चेंज होती है, सो दैट इट कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंस, दस अलाउइंग अ शार्प रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू बी फॉर्म्ड ऑन द रेटना। द एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस इज नोन एज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज सिमिलर टू फोकसिंग ऑफ अ फोटोग्राफिक कैमरा वाया मूवमेंट ऑफ इट्स लेंसेज। द लेंस इज मोर फ्लैट ऑन इट्स इंटीरियर साइड देन ऑन इट्स पोस्टीरियर साइड। ये फ्लैट होता है इंटीरियर साइड पर पोस्टीरियर साइड की निस्बत। द लेंस इज ऑल्सो नोन एज द एक्वा लैटिन अ लिटल स्ट्रीम डेम ऑफ एक्वा वाटर और क्रिस्टलाइन लेंस। इन ह्यूमंस द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस इन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 18 डायोप्टर्स, रफ 1/3 ऑफ द आई टोटल पावर। 2/3 जो पावर थी आई की वो कार्निया के पास थी और 1/3 क्रिस्टलाइन लेंस के पास होती है। ये थे आई के कुछ स्ट्रक्चर। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल ये देख रहे हैं आप, ये अलग से टॉपिक है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ब्लू एंड रेड, ये नर्व्स हैं। ये स्ट्रक्चर चेक करो, ये देखो बिजली की तारों की तरह होते हैं ये, जाकर ये फिर ब्रेन में मैसेज वगैरह देते हैं। आज की हमारी वीडियो टॉपिक यहाँ तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा कुलर मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन ऑफ आई, ये अलहदा से टॉपिक बनाकर वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू विद हैप्पी एंड इंजॉयिंग मोमेंट्स इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। मे यू लिव लॉन्ग। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।